हेलो फ्रेंड्स, कैसे आप सब लोग। आपका मेरे चैनल में स्वागत है। आज मैं कुल्फ़ी की ये तीसरी रेसिपी लेके आई हूँ। इससे पहले भी मैंने दो कुल्फ़ी की रेसिपी डाली है, अगर आपने देखा नहीं तो ज़रूर देखिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैंने आधा लीटर दूध उबालने के लिए रख दिया है। लगभग इसे हम 10 मिनट तक मीडियम आँच पर पकाएंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। जब भी दूध पकाए हम बड़ी कढ़ाई में ही पकाएंगे। साइड में मैंने ये 10 काजू को पीस लिया था। अब हम इसे दूध में डालकर इसे मिक्स कर लेंगे ताकि जब हम दूध में डालेंगे तो इसके गंठल ना पड़े, इसलिए हम पहले इसे दूध में मिक्स करके साइड में रख लेंगे। 10 मिनट हो चुके हैं और दूध लगभग हमारा आधा हो चुका है और गाढ़ा भी हो चुका है। अब हम इसमें दूध में जो हमने काजू मिला के रखा था वो इसमें डाल देंगे ताकि दूध हमारा गाढ़ा हो जाए। कुल्फ़ी को गाढ़ा करने के लिए मैं कॉर्नफ्लोर या मिल्क पाउडर नहीं डालूंगी, काजू का पेस्ट डालूंगी। बच्चे कभी कभी हमारे काजू या बादाम नहीं खाते हैं तो ऐसे भी हम इसे खिला सकते हैं। पेस्ट से हमारा कुल्फ़ी का फ्लेवर भी बहुत ही अच्छा आता है। तो ये अच्छे से मिक्स हो चुका है। अब हम इसमें रोज़ सिरप डालेंगे। मैंने 3 टेबल स्पून रोज़ सिरप लिया है। हम इसमें शुगर नहीं मिलाएंगे, रोज़ सिरप से ही हम इसको मीठा करेंगे। इससे मीठा भी हो जाएगा और कलर भी आ जाएगा। ये कुल्फ़ी मिक्सर हमारा बन चुका है। इसमें मैंने 10-15 मिनट के लिए ठंडा होने के लिए रख दिया था। तो देखिए कितना गाढ़ा हो चुका है। ये रोज़ इमर्जन है, इसमें कलर और एसेंस दोनों ही होता है। तो ये मैं 2 ड्रॉप्स डालूंगी। और इसे मिला लेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आ चुका है हमारा कुल्फी का। ये ड्राई रोज़ पेटल्स है, ये मैंने घर में ही सुखाई थी। तो ये हम ऊपर से डाल देंगे, इसे मिक्स कर लेंगे। कुल्फी को जमाने के लिए हम कोई भी मोल्ड ले सकते हैं। ये मैंने डिस्पोजेबल पानी और चाय के मोल्ड लिए हैं। अगर आप छोटी कुल्फी बनाना चाहें तो चाय के टी बैग ऐसे आते हैं, इसमें भी डाल सकते हैं। तो इन सब में हम कुल्फी का बैटर डाल देंगे। अगर आपके पास कुल्फी का मोल्ड है तो इसमें भी आप कुल्फी जमा सकते हैं। ये डिस्पोजेबल में आसानी से कुल्फ़ी निकल जाती है तो मैं इसमें ही जमाती हूँ। एल्यूमिनियम फॉइल को ऐसे मैंने चौकोर टुकड़ों में कट कर लिया है। इसे हम ढकने के लिए यूज़ करेंगे ताकि इसमें हम आइस क्रिस्टल जमा न हो, इसलिए अब इन सभी को हम फ्रीज़र में 10 से 12 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख देंगे। 10 से 12 घंटे के बाद हमारी कुल्फी बनके तैयार है। एल्यूमिनियम फॉइल को हम निकाल लेंगे और कुल्फी को भी अनमोल्ड कर लेंगे। ऐसे पहले हाथों से रब करेंगे, फेस स्टिक डालकर इसे हम निकाल लेंगे। बहुत ही आसानी से ये निकल जाती है। आप इसे जो चाहे ऐसा शेप दे सकते हैं। अगर आप रोल करना चाहे तो रोल में भी कट कर सकते हैं। ऊपर से रोज सिरप डालेंगे। बहुत ही डिलीशियस और आसान रेसिपी है। आप कोई भी फ्लेवर की कुल्फ़ी आप घर पे बना सकते हैं। इससे पहले मैंने केसर पिस्ता कुल्फ़ी और पान फ्लेवर कुल्फ़ी भी डाल दी है, तो इसका लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी। छोटे वाले जो मोल्ड है इसे भी हम निकाल लेंगे। आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों, बाय बाय।